हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल एडुलॉफाइट। चलिए बच्चों, शुरू करते हैं। साइंस क्लास 7 की वर्कशीट है 32, 18 नवंबर की वर्कशीट है इंग्लिश मीडियम में। टॉपिक है लाइट। टुडे मनीष अलोंग विद हिज फ्रेंड वाज यूजिंग मैग्नीफाइंग लेंस। मनीष जो अपने दोस्त के साथ मैग्नीफाइंग लेंस जो यूज कर रहा था और ऑब्जर्व कर रहा था बॉडी पार्ट्स का, कॉकरोच के, ठीक है। मनीष ने नोटिस किया कि विदाउट द मैग्नीफाइंग लेंस ही कुड नॉट सी कॉकरोच बॉडी पार्ट्स। बिना मैग्नीफाइंग लेंस के वो बॉडी पार्ट्स को नहीं देख सकता। लेट्स फाइंड आउट द रीजन। देखिए, मैग्नीफाइंग लेंस क्या होते हैं? मैग्नीफाइंग ग्लास होता है, एक तरह का लेंस है वो। इट इज यूज्ड टू रीड वेरी स्मॉल प्रिंट। बहुत छोटे प्रिंट होते हैं ना, उनको पढ़ने के लिए यूज होता है। ज्यादातर ये स्पेक्टिकल्स, जैसे चश्मे वगैरह होते हैं नजर के, टेलीस्कोप माइक्रोस्कोप में यूज होते हैं। लेंस जो है ट्रांसपेरेंट होते हैं और लाइट इनमें से आराम से पार हो सकती है। ये दो तरह के होते हैं, कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव। देखिए, कॉन्वेक्स लेंस जो होता है बीच से मोटा होता है, किनारों से पतला होता है। कॉनकेव क्या होता है? ये बीच से पतला है, किनारों से मोटा होता है। ये थिकर है मिडल से, एज से किनारे। कॉन्वेक्स लेंस कन्वर्जेस यानी बेंट इनवर्ड, यानी लाइट जो भी पड़ेगी वो कन्वर्ज होगी, एक जगह पे मिलेगी सारे पॉइंट पे लाइट, ऐसे इस तरह से, ठीक है। लेकिन जो कॉनकेव लेंस है वो थिनर है, बीच से बता दिया गया है, और इसको डाइवर्जिंग लेंस भी कहते हैं क्योंकि लाइट जो है डाइवर्ज हो जाती है ऐसे, ठीक है, इस तरह से आती है और ये डाइवर्ज हो जाती है, तो इसको डाइवर्जिंग लेंस भी कहते हैं और इसको कन्वर्जिंग लेंस कहते हैं। ना इमेज देखिए, जब लेंस से इमेज बनती है, कॉन्वेक्स लेंस में रियल इन्वर्टेड इमेज बनती है, बट एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड वेरी क्लोज। अगर ऑब्जेक्ट बहुत पास में है लेंस के, कॉन्वेक्स लेंस में, तो वर्चुअल और इरेक्ट भी बन सकती है सीधी और आवाज, जिसको स्क्रीन पे हम नहीं प्राप्त कर सकते। व्हेन इट इज यूज्ड टू सी ऑब्जेक्ट, जब इसको ऑब्जेक्ट को देखने के लिए यूज करते हैं, कॉन्वेक्स लेंस जो है उसको मैग्नीफाइंग लेंस कहते हैं। चीजों को बड़ा करके दिखाती है ना, बड़ा मतलब चीजों को रीड करना है, छोटी चीजें जो तो रीड करने के लिए यूज होता है एक तरह से देखा जाए तो। रीडिंग के लिए कॉन्वेक्स लेंस यूज होगा, है ना। अब रीडिंग कब होती होगी? जब जैसे बुढ़ापे में दिखता नहीं है ना, बुढ़ापे में किताबें नहीं दिखती है, तो कॉन्वेक्स लेंस लगाओगे तो पास से ध्यान से देखें, है ना। नेक्स्ट है कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस क्या होता है? दूर की चीजों को देखना, यानी ये जो है वर्चुअल इरेक्ट बनाएगी इमेज, और स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से छोटी होगी। ना क्वेश्चन क्या था? लुक एट द स्पेक्टिकल्स, अपने फैमिली मेंबर के स्पेक्टिकल्स देखें, तो बूढ़ा कोई बड़ा कोई छोटा होगा, बताना है आपको कॉन्वेक्स लेंस यूज हो रहा है या कॉन्वेक्स। तो दोनों ही लेंस यूज हो सकते हैं, क्योंकि एक लेंस दूर के लिए होता है, एक लेंस होता है पास के लिए, दूर और पास के लेंस होता है, ठीक है। पास का लेंस बुढ़ापे में यूज होता है जैसे देखने के लिए, तो फैमिली मेंबर में एज के अकॉर्डिंग, नीड के अकॉर्डिंग जो है लेंस दोनों ही यूज होते हैं। विच टाइप ऑफ लेंस फॉर्म अ वर्चुअल इमेज? वर्चुअल इमेज हमेशा, वर्चुअल इमेज तो कॉनकेव लेंस ही बनाता है, ठीक है, हमेशा वर्चुअल होता है, लेकिन कॉन्वेक्स में दोनों इमेज बनती है। कॉन्वेक्स लेंस जो है यूज होता है मैग्नीफाइंग के लिए, मैग्नीफाइंग के लिए यूज हो रहा था ना, हाँ, तभी तो उसको मैग्नीफाइंग ग्लास भी कहते हैं। तो ये ट्रू है, ये क्या है? ट्रू है। आई होप आपको वर्कशीट समझ में आ गई होगी। तो अब आप क्वेश्चन आपके लिए है कि रीडिंग के लिए, किताबों को पढ़ने के लिए कौन सा लेंस का यूज होता है, कॉन्वेक्स या कॉनकेव? आप बताएंगे कमेंट बॉक्स में। साथ में नए व्यूअर्स जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर करना नहीं भूलिएगा।